हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ऑडिटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा था, ठीक है। तो ऑडिट के जो ऑब्जेक्ट थे वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, तो आज हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, ऑडिट को नियंत्रित करने वाले जो आधारभूत सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पहला सिद्धांत है वो ये है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। तो देखिए, एक जो अंकेशक होता है उसको अपने प्रोफेशनल काम के प्रति क्या रहना चाहिए, पूर्ण ईमानदार रहना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, ठीक है। और उसे अपने सारे काम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, बहुत ईमानदारी से, सत्यनिष्ठता से, कर्तव्यनिष्ठता से उसे अपना काम करना चाहिए। इसलिए उसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब उसे स्वतंत्र तरीके से जाँच करनी चाहिए, ठीक है, उसे निष्पक्ष होकर के जांच करनी चाहिए, वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, उसे अपने काम में गड़बड़ नहीं करनी है। इसलिए ये इसका पहला सिद्धांत है। फिर बात करते हैं सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, इसको हिंदी में कहते हैं गोपनीयता। तो अंकेशक को अपने काम करने के दौरान या ड्यूरेशन ऑफ द टास्क, वो जब भी अपना काम कर रहा हो, उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन उसे क्या रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन बाहर क्या कर दे, प्रसारित कर दे, या बिना किसी ऑफिसर की अनुमति के बिजनेस से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड कर दे। तो उसे जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो बिना किसी अथॉरिटी से परमिशन लिए बाहर किसी थर्ड पार्टी को नहीं देनी चाहिए, और उन सूचनाओं को क्या रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। और तब तक गोपनीय रखना चाहिए जब तक कि उसे बाहर प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, जब तक कि उसका कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं हो उस सूचना को देने का, तब तक उसे क्या रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड है स्किल एंड कॉम्पिटेंस। उसके पास क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, चातुर्य होना चाहिए, और उसके पास दक्षता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑडिटिंग का काम है ना, वो ऐसे इंसान द्वारा किया जाना चाहिए जो क्या हो, स्किलफुल हो, जिसके पास स्किल्स हो, और जो क्या हो, चातुर भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसके पास इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, वो पूरा स्किल पर्सन होना चाहिए, और उसके अंदर काम करने की क्या होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। वो ही इंसान क्या कर सकता है, ऑडिट का काम कर सकता है। अनएक्सपीरियंस इंसान से ऑडिटिंग का काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वर्क परफॉर्म बाय अदर, ठीक है। दूसरों से जो काम उसने करवाया है ऑडिटर ने, तो उसके ऊपर उसको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, या दूसरे उसे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके जो सहयोगी है या बिजनेस में काम करने वाले जो पर्सन है, वो जो बात उसे बता रहे हैं या जो काम वो कर रहे हैं, उस पर उसे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक कि वो खुद उसको क्या नहीं कर ले, चेक नहीं कर ले, वो खुद उसकी जाँच नहीं कर ले, तब तक उसे दूसरों से जो भी काम या इंफॉर्मेशन मिली है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में ये करना है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिले, या उसका ऑडिट का जो भी वो काम करता जाए, और उसे जो जो भी टैक्स ऑडिट से रिलेटेड एविडेंस मिलते जाए, उसे क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। उसे जो भी एविडेंस मिले सबका डॉक्यूमेंटेशन करके रखना चाहिए, ताकि बाद में जो ऑडिटिंग का काम है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से किया जा सके, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लानिंग। तो देखिए, ऑडिट का काम है तो वो प्लानिंग से ही किया जाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए, ठीक है। नियोजन मतलब काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सब डिसाइड करके उसे काम करना है, ठीक है। तो प्लानिंग बना के पूरी अच्छी तरीके से, उसके बाद में उसे ऑडिट का काम स्टार्ट करना चाहिए, अनसिक्वेंसली उसे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 है ऑडिट एविडेंस। उससे जो भी अंकेशन के जो भी साक्ष्य उसे मिले, वो साक्ष्य उसे जुटाने चाहिए, ताकि बाद में वो किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सके।
तो उसे ऑडिट से रिलेटेड जो भी एविडेंस हैं वो सब इकट्ठा करते रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी उसे मिलती जाए एविडेंस, वो उसे क्या करते रहना चाहिए, इकट्ठा करते रहना चाहिए, ताकि बाद में वो अपना फाइनल कंक्लूजन दे सके किसी मैटर पे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। उसे क्या करना चाहिए कि अकाउंटिंग सिस्टम को भी अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि बिज़नेस का अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से है। तो अगर किसी बिज़नेस में कोई ऑडिट होती है तो पहले से ही बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है वहाँ के जो इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है उसको क्या कर देना चाहिए, मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर देना चाहिए, सिस्टमैटिक कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि ऑडिटर को किसी काम में दिक्कत ना हो। और इंटरनल कंट्रोल भी होना चाहिए, अंदर जो काम करने वाले पर्सन है उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अंदर से इंफॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। तो सारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो भी कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। फिर बात करते हैं ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। और ऑडिटर का जो फाइनल काम होता है वो क्या होता है, अपना कंक्लूजन देना और अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है, तो उसे सभी तरह के जो भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं उन ऑडिट एविडेंस के बेस पर उसे क्या लेना चाहिए, कंक्लूजन लेना चाहिए और अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसे उसे ये सब बताना है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ जो यहाँ पे फॉलो हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं, और बिज़नेस की सही और सटीक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग है वो भी उसे अपनी देनी चाहिए। तो ये तो थे बेसिक प्रिंसिपल जो कि ऑडिट को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट की, कि ऑडिट कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ऑडिट के हम प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारे पास में कंप्लीट एंड पार्शियल ऑडिट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण और आंशिक अंकेशन। तो देखिए, ये जो पूर्ण अंकेशन होता है, कंप्लीट ऑडिट होती है, उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ईयर के फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष ख़त्म होता है, तो वित्तीय वर्ष ख़त्म होने के बाद में जो हमारे फाइनल अकाउंट की ऑडिट होती है उस ऑडिट को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। ठीक है, जबकि पार्शियल ऑडिट क्या होती है, पार्शियल ऑडिट हमारे ईयर के बीच में, जो कभी कभी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं 6 मंथ से बनाते हैं, ठीक है, तो बीच में ईयर के बीच में जो ऑडिट होती है वो पार्शियल ऑडिट होती है। और ये भी दो तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, देखो कैसे हो सकती है, कि या तो हम ईयर के टाइम के बेस पे हम पार्शियल ऑडिट कर सकते हैं, जैसे पूरे ईयर की ऑडिट करने की बजाय हम 6 मंथ की या 3 मंथ की ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम काम के हिसाब से, जैसे कि हमने किसी पर्टिकुलर अकाउंट की ही क्या करनी है, ऑडिट करनी है, सारे पूरे फाइनल अकाउंट की ऑडिट नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि हमने सिर्फ सेल्स बुक और परचेज बुक की ऑडिट करनी है, तो मतलब किसी एक भाग की अकाउंट, किसी एक भाग की हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी फाइनल अकाउंट या पूरे साल की ऑडिट नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पार्शियल ऑडिट। जबकि पूरे साल की और सारे अकाउंट की अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट ऑडिट होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं इंट्रीम ऑडिट। इंट्रीम ऑडिट भी देखो, इंट्रीम ऑडिट का मतलब होता है अंतरिम अंकेशन, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं अंतरिम अंकेशन। तो अंतरिम अंकेशन क्या होता है, कि ये भी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उसके बीच में जो ऑडिट होती है, ठीक है, साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रीम ऑडिट कहते हैं। जैसे कई बिजनेस में कई बार साल के बीच में ही फाइनल अकाउंट बना लिए जाते हैं, जैसे कंपनीज में मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि इंट्रीम डिविडेंड देने के लिए फाइनल अकाउंट्स बना दिए, तो उनको इंट्रीम ऑडिट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इंट्रीम ऑडिट क्या होती है, साल के बीच में जो ऑडिट की जाती है वो वित्तीय वर्ष के दौरान जो ऑडिट की जाती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब होता है निपुणता अंकेशन, हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, निपुणता अंकेशन। तो देखिए, एफिशिएंसी ऑडिट से हम ये जान सकते हैं कि
जो अलग अलग डिपार्टमेंट है बिजनेस के, उनको जो काम दिया गया है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। और साथ ही में हम ये भी देख सकते हैं कि हमने जो पहले से जो हमने प्लानिंग की थी, जो डिसाइड किया था काम करने का, वो डिपार्टमेंट द्वारा कितना कितना कंप्लीट किया गया है और हमारी प्लानिंग में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो एफिशिएंसी ऑडिट एक तरीके से निपुणता का क्या है, अंकेक्षण है। मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो उसने कितने अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया है, हमारी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है या उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये सारा कुछ एफिशिएंसी ऑडिट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट को हिंदी में बोलते हैं निष्पादन अंकेक्षण। निष्पादन अंकेक्षण से मतलब ये होता है कि जितना काम, जितना लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। हमने जो लक्ष्य जो निर्धारित किए थे, जो स्टैंडर्ड हमने बनाए थे, जो प्रमाप हमने बनाए थे, हमने कर्मचारियों को जो काम सौंपे थे वो काम उन्होंने कितने अच्छे तरीके से किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। और किन किन व्यक्तियों ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्मेंस ऑडिट से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है निष्पादन अंकेक्षण, मतलब किसी को कोई काम दिया है तो उसने वो कितने अच्छे तरीके से किया है, इस बात की वो जाँच की जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट को हिंदी में कहते हैं लागत अंकेक्षण। तो लागत अंकेक्षण का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कॉस्ट के अकाउंट्स हैं, ठीक है, हमारे कॉस्ट की जो अकाउंटिंग है उसमें कितनी सत्यता है, उसमें कितनी योजना के अनुसार काम किया गया है, ये सारी कुछ जो जांच है वो हम किस में करते हैं, कॉस्ट ऑडिट के अंदर करते हैं। और कॉस्ट ऑडिट में हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो अर्धनिर्मित और निर्मित माल है, जो हमारे सारी कुछ जो स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, वो सब सही तरीके से लिखी गई है, सही तरीके से वैल्यूड की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। और साथ ही में पूरे जो लागत लेखे हैं, जो कॉस्ट के अकाउंट्स हैं, वो सही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, उनको बनाने में जो कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सही तरीके से पालन किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्मेंस ऑडिट में देखते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑडिट के अंदर हम देखते हैं। फिर बात करते हैं टैक्स ऑडिट। देखिए टैक्स ऑडिट में क्या होता है कि टैक्स लगाने के लिए जो इनकम पेश की जा रही है, ठीक है, जो कर लगाने के लिए जो आय प्रस्तुत की जा रही है, उस आय के बारे में सही तरीके से जांच करना कि वो आय सही तरीके से कैलकुलेट की गई है या नहीं की गई है। और साथ ही में ये भी देखना कि आयकर के लिए जिन छूटों का, जिन डिडक्शंस का, जिन एग्जम्पशंस का हम क्लेम करना चाह रहे हैं, वो एग्जम्पशन सही तरीके से कैलकुलेट की गई है या नहीं की गई है। आपको तो पता ही होगा कि इनकम टैक्स में क्या दी जाती है, कई तरह की रिबेट मिलती है, कई तरह के एग्जम्पशंस भी मिलते हैं और कई तरह की डिडक्शंस भी मिलती हैं। तो हम जो डिडक्शंस का क्लेम करना चाह रहे हैं तो क्या हम सही तरीके से क्लेम कर रहे हैं, क्या हमने उन डिडक्शंस का और उनका सही तरीके से कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो उन सब की क्या करना, जांच करना, उनको चेक करना, ठीक है, वो आता है सारा टैक्स ऑडिट में। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की। तो मैनेजमेंट ऑडिट को हिंदी में कहते हैं प्रबंध अंकेक्षण। तो प्रबंध अंकेक्षण में हम क्या जांच करते हैं, क्या चेक करते हैं कि प्रबंधक कितना काम कर रहे हैं, प्रबंधकों की एफिशिएंसी कितनी है, हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का, वो कितना चल रहा है बिजनेस में, और प्रबंधकों के क्या जो कार्य करने के तरीके हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी कुछ चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड, हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, ये सारा कुछ जो चेक किया जाता है वो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर किया जाता है। फिर बात करते हैं कंटिन्यूस और पीरियडिकल ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट क्या होती है, जो बिजनेस में लगातार चलती ही रहती है, इंटरनल ऑडिट भी हम जिसे थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, मतलब बिजनेस में चलती ही रहती है, छोटे छोटे जो हमारे महीने के, सप्ताह के जो खाते होते हैं उनकी चेक पूरे साल भर चलता ही रहता है, उनको चेक करने का काम जो है वो पूरे साल भर चलता ही रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पूरा जो ऑडिटर होता है वो पूरे साल भर उस बिज़नेस के अंदर लगा हुआ रहता है और पूरे साल कंटिन्यूसली वो क्या करता रहता है, ऑडिट करता रहता है, हर छोटी बड़ी चीज़ की वो ऑडिट करता रहता है, ठीक है। और पीरियडिकल ऑडिट जो भी हम देखते हैं कि हमारे ईयर की एंडिंग में हमने फाइनल अकाउंट बना दिए हैं, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद में जो ईयर की एंडिंग में हम ऑडिट करवाएंगे उसको हम पीरियडिकल कहेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सामयिक अंकेक्षण और इसको बोलते हैं चालू अंकेक्षण, ठीक है। सामयिक का मतलब समय सीमा की समाप्त
समाप्ति के बाद में जो ऑडिट होगी, मतलब हमने फाइनल अकाउंट बनाया है चाहे एक वर्ष के बाद में बनाया हो चाहे छः महीने के बाद में बनाया हो, तो हमारे जो भी फाइनल अकाउंट बन जाएंगे, फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में जो जाँच की जाएगी, जो ऑडिट की जाएगी, वो पीरियडिकल ऑडिट होगी। ठीक है, तो ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब बाकी का जो टॉपिक है इसके आगे के, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।